इंफ्रास्ट्रक्चर से रिन्यूएबल एनर्जी जैसे तमाम बिजनेस करने वाली अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी अब देश के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन के साथ ही अब एशिया के भी सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं और अब वो संपत्ति के मामले में देश और एशिया में केवल रिलायंस ग्रुप के प्रमुख मुकेश अंबानी से ही पीछे हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में अंबानी 13th पोजीशन पे आ चुके हैं तो वहीं गौतम अडानी 14th पोजीशन पे आ चुके हैं। और क्योंकि अब अडानी एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं तो इन्होंने चीनी कंपनी बेवरेज टू फार्मा ग्रुप के प्रमुख जोंग शांगसान को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गुरुवार को अडानी की नेटवर्थ थी लगभग $66.5 बिलियन की और वहीं जोंग शांगसान की नेटवर्थ थी $63.6 बिलियन की। और वहीं अंबानी जी की बात करें तो उनकी नेटवर्थ है $76.5 बिलियन की, यानी कि मात्र $10 बिलियन का ही अंतर अब बचा है बिटवीन अंबानी एंड अडानी। इसके अलावा ब्लूमबर्ग के आर्टिकल में ये भी लिखा है कि अडानी की संपत्ति मात्र एक साल के भीतर ही $32.7 अरब बढ़ चुकी है। तो काफी जाहिर सी बात है, इतने तेजी के साथ ही अडानी ग्रुप के शेयर में भी काफी तेजी आ चुकी है। इसमें से अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनीज ने काफी ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंट इंक्रीज दर्ज की है और इसमें सबसे हाईएस्ट रहा है अडानी टोटल गैस का शेयर, जिसने 1145% की बढ़ोतरी दर्ज की है। वैसे बता दें कि अब अडानी ग्रुप का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है लगभग $115 बिलियन का और वहीं यही रिलायंस ग्रुप का है लगभग $178 बिलियन का। टाटा ग्रुप और रिलायंस के बाद अडानी ग्रुप भारत की तीसरी कंपनी बन चुकी है जिन्होंने $100 बिलियन के मार्केट कैप को क्रॉस किया है। तो एक साल में ही कंपनी ने काफी ट्रेमेंडस प्रोग्रेस किया है, एक साल के भीतर ही उन्होंने $32.7 बिलियन रेस कर दिया। और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो वो समय दूर नहीं जब गौतम अडानी मुकेश अंबानी जी को भी पैसों के मामले में पीछे छोड़ देंगे।